ठीक है देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टोटल कितना है? सिक्स, टोटल सिक्स है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें, उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें डिफ्रेंसिएशन में हम लोग जो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हम लोग पढ़ते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है, लोकल ठीक से देखो ना, समझेगा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चैप्टर हम लोग को पढ़ना, इस मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हम लोग बताते हैं। मतलब जब कोई फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएशन से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताते हैं, तो मेरा एग्जैक्ट किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं बताता, क्या बताता है? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्या मतलब हुआ? मिनिमम मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन अगर मेरे पास है, कोई भी फंक्शन अगर मेरे पास है, तो उसका हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाए? इसको ग्राफ बनाए। तो जब हम इसको ग्राफ बनाए तो उसमें क्या देखते हैं? कोई फिक्स एरिया का, इस एरिया का अगर हम चेक करना चाहेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। सेम टाइप से अगर बनाएंगे नहीं, इस फंक्शन का ग्राफ जो है उसमें ये पोर्शन का हमको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ये मिनिमम वैल्यू होगा और ये क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लोकल बताया जाता है। एक एग्जांपल ऐसे एक सिंपल स्टोरी समझ के समझते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होता है। किसी विलेज में हम गए तो वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का सबसे जो अमीर आदमी है उसके पास सबसे कितना पैसा, सबसे ज़्यादा कितना पैसा है? सबसे अमीर आदमी उसके पास कितना पैसा है? सबसे कितना पैसा है? 10,000 रुपीज उसके पास मैक्सिमम है, मतलब सबसे अमीर आदमी को। सबसे गरीब आदमी है उसके पास कितना पैसा है? तो 0 रुपीज है। सेम टाइप से थोड़ा छोटा शहर में चले जाते हैं, छोटा शहर में वहाँ पर देखेंगे कि मैं सबसे अमीर आदमी उसके पास कितना पैसा है, तो 1,00,000 रुपीज है, 1,00,000 रुपीज है। और जो सबसे गरीब आदमी है उसके पास मिनिमम कितना पैसा है? रुपीज बोलेंगे कि 10,000 रुपीज है। सेम टाइप से हम मुंबई शहर चले जाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 10,000 करोड़ रुपीज, अरबों खरबों रुपीज है। मिनिमम वैल्यू कितना? तो 1 करोड़ रुपीज। मतलब कि लोकली हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, लोकल बताता है। अब ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू बताने के लिए क्या रूल्स होगा? कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है तो कैसे बताएंगे कि उसका वैल्यू मैक्सिमम है या तो मिनिमम है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रूल क्या होगा? कोई फंक्शन दिया हुआ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक बार उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और क्या करेंगे कि हम पहले निकालेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू का पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे? डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू जीरो, सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग? जीरो। तो एक्स इक्वल टू निकालेंगे, तो यहाँ पर जब सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, दो चार वैल्यू कुछ भी आ सकता है, एक वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू आ सकता है, तीन वैल्यू, चार वैल्यू कुछ भी आ सकता है, अगर हम सिंगल डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे? जीरो। मतलब कोई फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार और डिफरेंशिएट किए, सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू हम जीरो करेंगे जिससे हमको एक्स का वैल्यू निकलेगा। एक्स का वैल्यू जब निकलेगा तो हम चेक करना पड़ेगा उस वैल्यू पे क्या वैल्यू देता है। पहले चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू अल्फा वन पे, किसमें अल्फा वन पुट करेंगे एक्स का वैल्यू? तो डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में और पुट किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, एम वैल्यू आ गया, लेकिन वो वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आया तो क्या बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू अल्फा वन पे जो फंक्शन दिया हुआ है एफएक्स उसका लोकल मिनिमम वैल्यू होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। मतलब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो उस केस में एफएक्स का वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। सेम टाइप से हम दूसरा वैल्यू पर चेक करेंगे, दूसरा वैल्यू पर चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू अल्फा टू, अल्फा टू पर चेक करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में फिर से पुट करेंगे, ये जो डबल डिफरेंशिएशन है उसमें हम फिर से पुट करेंगे वैल्यू, तो आ जाएगा मेरा एन, क्या आ जाएगा हम लोग के पास? एन आ जाएगा। जब एन आ गया तो एन क्या होगा? लेस देन जीरो। एन का वैल्यू अगर निगेटिव नंबर है, यहाँ तो पॉजिटिव आया था, यहाँ पर क्या आ गया? निगेटिव। जब निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू अल्फा टू, एट एक्स इक्वल टू अल्फा टू, अल्फा टू पुट किए थे एक्स इक्वल अल्फा टू, एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा।
मतलब कि अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो बोलेंगे उस केस में फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेरा मिनिमम वैल्यू होता है तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ मेरे पास उसमें अल्फा वन पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, अल्फा वन। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब अगर हम पता कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा वन पे मिनिमम वैल्यू है तो उस केस में अल्फा वन फंक्शन में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपको बता देगा। सेम टाइप से एक्स इक्वल टू अल्फा टू पुट किए और इन आया, इन आया यहाँ पे निगेटिव आया तो बोलेंगे निगेटिव आया तो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, क्या बताएंगे हम लोग को, मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर बताया तो मैक्सिमम वैल्यू बता दिया तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी सकते हैं। कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ अल्फा टू, एफ अल्फा टू, और यहाँ पे हमको बता देगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सेम टाइप से अगर मान लो हम डबल डिफरेंशियल वैल्यू पुट किए और जीरो आया, नहीं मैक्सिमम वैल्यू बताया, नहीं हो मिनिमम वैल्यू बताया, उस केस में अगर जीरो आ गया तो बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू अल्फा थ्री एफ एक्स हैव नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। मतलब कि अगर जीरो आता है तो उस वैल्यू पॉइंट पे नहीं मैक्सिमम वैल्यू देगा नहीं वो मिनिमम वैल्यू देगा। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्लियर है इसको, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन बनाने में। ये जो क्वेश्चन है एक रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे कि इस रूल को अप्लाई करके हम लोग जो है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। नहीं गिवन क्वेश्चन क्या है, गिवन क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, गिवन क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एफ एक्स इक्वल टू रहेगा हम लोग के पास 2x³ - 15x² + 36x + 1। ये दिया हुआ है मेरे पास और इसका बोलेगा कि बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, मेरा रूल क्या है, मेरा रूल ये है कि एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी 2x³ - 15x² + 36x + 1 बाई डी एक्स। ऐसा लोग लिख दिए, इसको लिख दिए, लिखने के बाद आगे क्या करेंगे, देखो आगे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, इक्वल टू 2 dx³/dx - 15 dx² / dx + 36 dx/dx + d1/dx। ऐसा लिख दिए, इक्वल टू इनटू जो पावर लिखा हुआ रहेगा वो पावर को हम पहले लिखेंगे, x का पावर क्या आएगा 3 - 1 - 15 इंटू टू पावर ऊपर लिखा होता है टू पहले आ जाएगा x का पावर 2 - 1 + 36 इंटू इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू इंटू जो पावर 3 लिखा हुआ पहले लिख देंगे एक्स का पावर 3 - 1 - 15 इंटू जो टू पावर लिखा है टू पहले आ जाएगा एक्स का पावर 2 - 1 + 36 इंटू 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है इक्वल 6x² - 36x + 36 हो गया नो। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक बार डिफरेंस डिवाइड बाई डी एक्स निकल गया हम लोग को तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे वी गेट तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास d2y/dx² = d 6x² - 36x + 36 by dx = d 6x² / dx - d 36x / dx = 6 पहले आ जाएगा 2 पहले हो जाएगा 2 का पावर 2 - 1 - 30 * dx/dx 1 + 0 इक्वल टू 12x - 30। एक बार डिफ्रेंशिएट के तो आया, एक बार और डिफ्रेंशिएट के तो आ गया हम लोग के पास ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग जो है रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक फंक्शन को एक बार डिफ्रेंस दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमको पॉइंट चाहिए,
जिस पॉइंट पे हम पता करेंगे कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा वैल्यू है या लोकल मिनिमम वैल्यू है, उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशियल को इक्वल टू जीरो कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, dy by dx equal to 0, सिंगल डिफरेंशियल को क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। dy by dx equal to 0, dy by dx है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या है हम लोग के पास, 6x square minus 30x plus 36 equal to 0, सब में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x square minus 5x plus 6 equal to 0, कॉमन है, 6 नीचे आएगा 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी हम लोग के पास, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो हो गया। इसको हम मिलिट्री स्पीड से फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट नंबर को इनटू करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x यहां कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 3 लिख दिए, x माइनस 2 x माइनस 2 लिखिए इक्वल टू 0, फिर क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0, मतलब कि x इक्वल टू 3 हो गया और x इक्वल टू 2 हो गया, दो वैल्यू आ गया मेरे पास। अभी तो जो वैल्यू आ गया इस पर हमको चेक करना है कि किस पॉइंट पे किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू देता है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, हम लोग डबल डिफ्यूजन में हम लोग पुट करेंगे, डबल डिफ्यूजन में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो उस पर चेक करेंगे क्या आता है वैल्यू, नो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू थ्री, एट एक्स इक्वल टू थ्री, एट एक्स इक्वल टू थ्री, एट एक्स इक्वल टू थ्री पे सब किसका वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री पर चेक करना है, एक्स इक्वल टू थ्री पर चेक करना है, इसमें पुट करें डबल डिफरेंस ये है, इसमें हम पुट करेंगे किस पे इसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू थ्री पे, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ थ्री पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं इसको इक्वल टू ट्वेल्व इंटू थ्री माइनस थर्टी, क्या किए हम लोग ट्वेल्व था तो ट्वेल्व लिखे, एक्स इंटू दिए, एक्स की जगह पर थ्री था थ्री लिख दिए, माइनस था माइनस थर्टी, तो थर्टी पुट कर दिए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 36 माइनस 30 एक्स इक्वल टू थ्री पे इक्वल टू कितना आ गया 6, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो, जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो वैल्यू क्या लगाता है हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू, क्या देता है हम लोग तो मिनिमम वैल्यू देता है ना, मतलब कि पॉजिटिव नंबर आ गया, क्या आ गया हम लोग पास पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर आ गया तो बोलेंगे कि इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू थ्री पे जो फंक्शन है एफ एक्स उसका लेता है हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू, देखो एट एक्स इक्वल टू थ्री इम्प्लाई एट एक्स इक्वल टू थ्री एफ एक्स हैव मिनिमम वैल्यू, क्या देता है हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू देता है, तो मिनिमम वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं एफ सिक्स इक्वल टू एफ एक्स का मतलब थ्री है एफ थ्री इक्वल टू एफ थ्री इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी जगह हम थ्री रखें, सब जगह थ्री लिख देते हैं हम लोग, जगह थ्री लिख देते हैं तो टू इंटू थ्री का पावर टू, थ्री का पावर यहाँ पर एक्स की जगह पे हम यहाँ थ्री लिखे थे जहाँ जहाँ एक्स है और सब जगह थ्री लिख देंगे, टू का पावर थ्री लिखे हम लोग माइनस 15 इंटू टू का पावर टू लिखे हम लोग प्लस 36 इंटू टू नहीं थ्री 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 यहाँ पर थ्री लिखे प्लस वन, इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से मेरा पास मिनिमम देगा मिनिमम वैल्यू, फिर हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू क्या है, एट एक्स इक्वल टू दो वैल्यू आया, एट एक्स इक्वल टू थ्री आया है, एक्स इक्वल टू टू आया है, तो एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू, एट एक्स इक्वल टू टू पे हम चेक करेंगे, किस में एट एक्स इक्वल टू पे हम डबल डिफरेंशियल में उसको पुट करेंगे, डबल डिफरेंशियल पुट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू टू पे चेक करेंगे हम, एक्स इक्वल टू टू पे चेक करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हम एक्स इक्वल टू टू पे चेक करेंगे, क्या ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टी, ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टी इक्वल ट्वेल्व इंटू एक्स की जगह टू है तो टू पुट कर देंगे माइनस थर्टी इक्वल टू ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को माइनस सिक्स लेस देन जीरो, निगेटिव नंबर आ गया हम लोग के पास,
माइनस सिक्स आ गया, माइनस सिक्स ले आए जीरो, निगेटिव ना पॉजिटिव वैल्यू आया था हम बोले थे मिनिमम वैल्यू, पॉजिटिव तो मिनिमम वैल्यू, निगेटिव आया था मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लिख देंगे इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स हैव मैक्सिमम वैल्यू देगा एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू एफ टू इक्वल टू, मतलब यहाँ पे x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, टू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहाँ x दिख रहा है सब के जगह पर हम लोग टू पुट करेंगे वैल्यू निकालने के लिए, जैसे इसमें हम लोग थ्री पुट किए थे x इक्वल टू थ्री करें थ्री पुट किए थे, इसको निकालते हैं हम लोग टू इंटू टू का पावर थ्री माइनस फिफ्टीन इंटू टू का पावर टू प्लस थर्टी सिक्स इंटू टू प्लस वन, हम वैल्यू पुट कर दिया इसके जगह पे, यहाँ पे जो फंक्शन था इक्वेशन वन में लिख देते हम लोग, इक्वेशन वन में हम पुट किए हैं, इक्वेशन वन में हम पुट किए थे, यहाँ पे भी इक्वेशन वन में हम लोग पुट किए थे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं, जो भी कैलकुलेशन के वैल्यू आ ही जाएगा, तो इस तरह से क्या होता रहेगा हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू, हेंस हेंस हम लास्ट में आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे हेंस एट एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री मिनिमम वैल्यू एफ थ्री इक्वल टू, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू टू मैक्सिमम वैल्यू देगा हमको, मैक्सिमम वैल्यू देगा और एफ टू इक्वल टू यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब यह हुआ कुछ फंक्शन अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किए एक बार और डिफ्रेंशिएट किए, दो बार जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सिंगल को इक्वल टू जीरो कर देंगे, सिंगल फंक्शन इक्वल टू जीरो कर देंगे, जब जीरो हम इसको कर लिए तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करके डबल एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन में वन बाई वन पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू थ्री है तो एक्स इक्वल टू थ्री पुट करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन में, जब पुट किए तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर आ गया तो क्या बोलेंगे उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देता है, क्या बोलता है हम लोग को मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू पे क्या करेंगे एक्स इक्वल टू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया एट इज टू एफ एक्स है मैक्सिमम वैल्यू, निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे उस जो गिवन फंक्शन है उसको पुट करके, एक आ गया एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू टू मैक्सिमम वैल्यू आंसर होगा, क्लियर है कुछ पूछना है, चलो ठीक है।